सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो विशेष प्रश्नवार्ता है वो आम आदमी पार्टी के संगठन को लेके है और संगठन की भविष्य में जो हमारी रणनीति और उसके बाद हमारे जो पार्टी की जो एक्टिविटीज़ रहेंगी उसके ऊपर है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे दाएं तरफ चौधरी सुरेंद्र चौहान जी हैं, जो जैसे कि आपको पता है कि वो आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार की जो पीछे प्रक्रिया चल रही थी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और दो दिन पहले जम्मू के अंदर एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सिमिलरली कश्मीर के अंदर भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको पार्टी के किस तरीके से कार्य करने हैं उसके ऊपर रणनीति के ऊपर चर्चाएँ हुई। तो आने वाले दिनों में पार्टी के जो कामकाज रहेगा, पार्टी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए हर गांव के अंदर एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, हर गांव के अंदर हर पंचायत के अंदर पदयात्राएं होंगी और हर असेंबली के अंदर एक पब्लिक मीटिंग्स होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ी सभाएं होंगी और प्रोविंस लेवल पे भी बड़ी सभाएं होंगी। तो जहाँ तक हर असेंबली की बात है, हर असेंबली की जो सभाएं होंगी, जो जनसभाएं होंगी, उन सभी जनसभाओं में आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि चाहे पंजाब से, चाहे दिल्ली से एमएलए या वहाँ के मंत्री और वहाँ के संगठन के कोई बड़े नेता, वो आम आदमी पार्टी के इन कार्यक्रमों में जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कार्यक्रम होंगे उनमें वो शामिल रहेंगे। हमारा संदेश उन जनसभाओं से ये रहेगा उन जनमानस को कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो जो नीतियां दिल्ली पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जनहित के लिए जो काम कर रही है, वही इश्यूज लेके वो जो हमने काम किए हैं दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर, वो जनमानस तक वो बात पहुंचानी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को ठीक कर दिया गया, दिल्ली के अंदर किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट लाया गया, सिमिलरली पंजाब के अंदर जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए और स्कूलों की हालत ठीक की जा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे लगाम लगाई जा रही है, इन सभी मुद्दों के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी सभाओं के अंदर। और उसके बड़ी समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो चरमरा गई हैं, आज मेडिकल कॉलेज की हालत देख लीजिए, आज जिला के अंदर हर जिला के अंदर जो जिला अस्पताल हैं उनकी हालत देख लीजिए, उनकी हालात को देखते हुए हम जनमानस तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि आम आदमी पार्टी का जो एकमात्र जो मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो स्वास्थ्य सुविधाएँ ठीक करना और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो सरकारी स्कूल आज बंद हो चुके हैं वो सरकारी स्कूल इतने बढ़िया सरकारी स्कूल बनाएं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो, जो लोग डिसाइड करें कि हमें प्राइवेट स्कूल में जाना है या सरकारी स्कूल में जाना है। इन्हीं कार्यक्रम को लेकर आने वाले दिनों में हमारी जो नीति, हमारी जो पॉलिसीज आम आदमी पार्टी की हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए हम नुक्कड़ सभाएँ और बड़ी जनसभाएं करने जा रहे हैं दिल्ली पंजाब से।